झारखंड और देश विदेश की खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। पहला खबर है रांची से। नए साल की पूर्व संध्या पर खूब उड़ी नियमों के धज्जियां, पुलिस ने जब्त किए 17 वाहन। नए साल के पूर्व संध्या शहर में लोगों ने ट्रैफिक नियमों की खूब धज्जियां उड़ाई। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों के 17 वाहन जब्त कर लिए गए हैं। ड्रंक एवं ड्राइव में 167 वाहनों की जाँच की गयी। इनमें गोंदा थाना इलाके से 3, जगन्नाथपुर थाने इलाके से 2, चुटिया थाना इलाके से 4 और लालपुर इलाके से 8 वाहन जब्त किए गए हैं। ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग के आदेश पर पूरे शहर में ड्रंक एंड ड्राइविंग अभियान चलाया गया। नहीं मिला आईडी पासवर्ड तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे एसोसिएशन। यह खबर है धनबाद से। अगले सप्ताह तक अगर कक्षा 8वीं बोर्ड के रजिस्ट्रेशन हेतु पासवर्ड निर्गत नहीं किया गया तो गैर मान्यता प्राप्त सभी निजी विद्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उक्त बातें झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला सचिव इरफान खान ने प्रेस मीटिंग जारी कर कहा। 2 जनवरी से खुलेगा सिविल कोर्ट। जामताड़ा विधायक मामले में 11 को होगी सुनवाई। एक सप्ताह की छुट्टी के बाद 2 जनवरी से रांची सिविल कोर्ट खुल जाएगा, कामकाज शुरू होगा। सिविल कोर्ट 25 दिसंबर क्रिसमस से बंद था। नए साल में कई महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई होनी है। इसमें सीएम से जुड़े शिकायत वाद और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी मामले में सुनवाई होनी है। वहीं रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता राम परवेश राय की हत्या मामले में आरोप तय हो चुका है। 4 जनवरी से अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही दर्ज कराई जाएगी। 9 दिसंबर 2019 को कांके निवासी राम परवेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल के विस्तार के अटकलें तेज, सबकी निगाहें कुर्सी पर, 2 मंत्री पद हैं खाली। हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। नए वर्ष नई चुनौतियां से भरा हुआ है। कोरोना काल से उभरने के साथ साथ राजनीतिक मोर्चे की भी अपनी चुनौतियां हैं। विपक्ष हमलावर है तो सत्ता पक्ष में भी जन प्रतिनिधियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षी हिलोर मार रही है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलें का तेज होना स्वाभाविक है। उम्मीद जताई जा रही है कि नए वर्ष में जल्द ही इन अटकलों को विराम लगाते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। रांची के धुरवा में बनेंगे 1108 फ्लैट। सीएम ने कहा पीएम की दूरदर्शिता का गरीबों को मिलेगा लाभ। साल के पहले दिन रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव रखी। इसके तहत धुरवा के आनी गांव में 1108 लाइट हाउस का निर्माण होगा। धुरवा स्थित पंचमुखी मंदिर के पीछे आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल रहे। रांची के साथ देश के 4 शहर इंदौर, राजकोट, अगरतला और लखनऊ में भी इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री ने जिस सोच और दूरदर्शिता के साथ आवास निर्माण के क्षेत्र में गति लाने के लिए यह योजना शुरू की है, उसका लाभ शहरों में रहने वाले गरीबों, मजदूरों और बेघरों को मिलेगा। यह खबर है जामताड़ा से। सिंदरजोरी से 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। करमाटांड थाना क्षेत्र में साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन एवं स्थानीय पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। बीते गुरुवार की शाम करमाटांड थाना की पुलिस ने सिंदरजोरी गांव में छापेमारी कर 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की भनक पाते ही 1 आरोपी फरार हो गया। यह खबर है जमशेदपुर से। बिजली विभाग के कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को 5 माह से वेतन नहीं, दी हड़ताल की चेतावनी। पूर्वी सिंहभूम के ढालभूमगढ़ बिजली सब डिवीजन में आईपीएसजी के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कर्मियों को 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। अब वे आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि बिजली कर्मियों के समक्ष मानदेय भुगतान नहीं किए जाने पर समस्या उत्पन्न हो रही है। परिवार चलाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 4 जनवरी तक अगर बकाया भुगतान नहीं होता है तो 5 जनवरी से हड़ताल पर चले जाएंगे। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एंड खेलों से। महागठबंधन सरकार में तानातनी। कांग्रेस बोली औरंगाबाद का नाम बदला तो विरोध करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख बालासाहेब थोरात ने कहा कि अगर औरंगाबाद का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव आता है तो उनकी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि स्थानों के नाम बदलना शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के न्यूनतम सजा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था।
बीसीसीआई के फैसले से परेशान युवराज सिंह, पिता युवराज सिंह ने निकाली भड़ास। भारत के स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह को हाल ही में बीसीसीआई ने करारा झटका दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस पूर्व भारतीय बल्लेबाज को घरेलू क्रिकेट में खेलने की अनुमति नहीं दी है। दरअसल बोर्ड के नियम के मुताबिक टीम इंडिया का कोई भी क्रिकेटर जो विदेशी लीग खेल चुका है उसे भारतीय क्रिकेट में कमबैक की अनुमति नहीं दी जा सकती है और साथ ही वो खिलाड़ी आईपीएल में भी नहीं खेल सकता है। कांपी पूरी दुश्मन सेना, अब भारत मचाएगा तबाही, आ रहे हैं भयानक हथियार। बीते साल पूरा देश कोरोना महामारी से ही लड़ता रहा, बचता रहा और दुश्मन देश चीन पाकिस्तान के साथ संघर्ष भी जारी रहा। ऐसे में बीते दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई आत्मसम्मान को छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। भारत पिछले सालों में लगातार अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है, जिसके चलते अब दुनिया के तमाम देशों को भी भारत स्वदेशी मिसाइलें निर्यात करेगा। गरीबों को सस्ते घरों का गिफ्ट, पीएम मोदी बोले, पहले पैसे देने पर भी मकान नहीं मिलते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2022 तक देश के सभी बेघर परिवारों को पक्का आवास मुहैया कराने का लक्ष्य को हासिल करने के लिए अहम कदम उठाया है। इस दिशा में पीएम मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। नए साल में यह प्रधानमंत्री का पहला कार्यक्रम है। ममता बनर्जी की बड़ी मुश्किलें, शुभेंदु अधिकारी के भाई ममता सरकार के खिलाफ पहुंचे हाईकोर्ट। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में टीएमसी छोड़ने वाले शुभेंदु अधिकारी के भाई शुभेंदु अधिकारी ममता सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुँच गए हैं। भारत नए साल के पहले दिन 8वीं बार बनेगा यूएनएससी का अस्थायी सदस्य, चीन के लिए बड़ा झटका। साल 2021 की शुरुआत के साथ ही भारत 8वीं बार भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय मंच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनने जा रहा है। भारत के अलावा आयरलैंड, नॉर्वे और मेक्सिको भी अस्थायी सदस्यता के लिए निर्वाचित हुए हैं। भारत 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होगा। पर सिलेंडर गैस से है, नए साल के पहले दिन ही गैस सिलेंडर हुआ महंगा, जाने कितने बड़े दाम। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने नए साल के पहले दिन ही गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनियों ने दिसंबर महीने में रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में दो बार बढ़ोतरी कर 100 रुपए दाम बढ़ाए थे, जिसके बाद बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 644 रुपए से बढ़ाकर 694 रुपए हो गई। हालांकि बिना सब्सिडी वाले 14 के लिए 200 ग्राम सिलेंडर की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, ये बढ़ोतरी कमर्शियल सिलेंडर के दाम में की गई है। हार्ड कपाने वाली ठंड, कश्मीर में पारा 0 से 9 डिग्री नीचे, ठंड को लेकर अलर्ट जारी। ठंड का कहर जारी है, कश्मीर में हार कपाने वाली शीतलहर जारी है। नए साल पर घाटी में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान जमा बिंदु से नीचे चला गया है। अधिकारियों ने बताया कि घाटी के तापमान में गिरावट के बाद कई जलाशयों सहित जल आपूर्ति पाइपों में पानी जम गया। शुष्क मौसम ने गुलमर्ग के प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट में नए साल पर बर्फ गिरने का इंतजार कर रहे सैकड़ों पर्यटकों का निराश कर दिया। हालांकि रिजॉर्ट में विभिन्न स्थानों पर घास के मैदान, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े नए साल के जश्न को और मनोरम बना रहे थे। किसानों की सरकार को सीधी चेतावनी, मांगे नहीं मानी तो बिगड़ सकते हैं हालात। संसद से पारित नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 37 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने सरकार को सख्त चेतावनी जारी की है। किसान संगठनों ने कहा कि यदि सरकार 4 जनवरी तक उनकी मांगों पर उचित फैसला नहीं लेती है तो उसके बाद की परिस्थितियों के लिए वही जिम्मेदार होगी। भारत को मिली वैक्सीन, नए साल में मिली खुशखबरी, इस्तेमाल की दी गई मंजूरी। नए साल के मौके पर देशवासियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल साल के पहले दिन ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनेका की कोरोना वैक्सीन
कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। न्यू ईयर के अवसर पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग में वैक्सीन के इस्तेमाल को इजाजत दी गई है। बता दें कि भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है। क्या है पीएम मोदी का लाइट हाउस प्रोजेक्ट? फ्लैट की कितनी होगी कीमत, जाने सब कुछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के पहले दिन 6 राज्यों के लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव रखी है। उन्होंने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत अगरतला, रांची, लखनऊ, इंदौर, राजकोट, गुजरात और चेन्नई में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। आइए जानते हैं कि क्या है लाइट हाउस प्रोजेक्ट और कितनी होगी इसकी राशि। जानकारी के मुताबिक घरों की कीमत 12.59 लाख रुपए है, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से 7.83 लाख रुपए अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे, बाकी 4.76 लाख रुपए लाभार्थियों को देने होंगे। क्या आपको भी नहीं मिला पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का पैसा? यहां करें संपर्क। पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त सरकार ने जारी कर दी है, लेकिन कई किसान भाई ऐसे हैं जिनके खाते में अभी स्कीम का पैसा नहीं आया है। बता दें कि मौजूदा समय में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 11 करोड़ 45 लाख लाभार्थी, जिनमें से उत्तर प्रदेश के 21%, पंजाब के 22%, गुजरात के 23%, झारखंड के 29% लाभार्थी किसानों तक 2000 रुपये इस वित्तीय वर्ष की तीसरी किस्त अभी तक नहीं पहुंची है। इन छोटी छोटी गलतियों से रुक जाता है पैसा। कई बार फॉर्म करते टाइम हुई छोटी छोटी गलतियों से पैसा रुक जाता है। आप इन्हें घर बैठे ठीक कर सकते हैं। पीएम किसान स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर pmkisan.gov.in पर जाएं। फॉर्मर कॉर्नर के अंदर जाकर एडिट आधार डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आधार नंबर दर्ज कर कैप्चा कोड डालकर सबमिट करें। अगर नाम में कोई गलती हो तो आप इसे ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं। अगर कोई और गलती नहीं है तो इसे आप अपने लेखपाल और कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क करें। कहीं कोई गलती ना होने पर यहां करें शिकायत। आप चाहे तो इस हेल्पलाइन नंबर 01124300606 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या पीएम किसान टोल फ्री नंबर है 1800115566। अब यात्रा के दौरान नहीं होगी परेशानी, नए साल से ट्रेन में मिलेगी नई सुविधाएं। कोरोना काल में हवाई यात्रा हो या ट्रेन का सफर, सभी में कई बदलाव किए गए। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने एसी क्लास के यात्रियों को ट्रेन में मिलने वाले बेडरोल की सुविधा को बंद करने के साथ ही केवल आरक्षित टिकट पर सफर करने की अनुमति दी गई, जिसके चलते यात्रियों को काफी परेशानी होने लगी थी। ट्रेन में पेट्रोल की सुविधा बंद किए जाने के कारण यात्रियों को खुद से कंबल आदि लेकर चलना पड़ता था, लेकिन नए साल में रेलवे अपने यात्रियों के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिससे रेल यात्रियों का सफर काफी आरामदायक हो जाएगा। खबर खेल जगत से। जीत के बाद रहाने के मुरीद हुए दिग्गज, कप्तानी में कोहली से ये दिखा फर्क। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में हुए दूसरे टेस्ट में भारत 8 विकेट से विजय का सबसे बड़ा क्रेडिट कप्तान अजिंक्य रहाणे को दिया जा रहा है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अपने सबसे कम स्कोर पर आउट होने वाली टीम अगले ही मैच में इस तरह बदली हुई नजर आई, जिसे देखकर दिग्गज क्रिकेटर भी हैरान रह गए। दो नए खिलाड़ियों और नियमित कप्तान विराट कोहली की नामोजुदगी में उतरे रहाणे ने शानदार कप्तानी पारी खेलने के साथ ही जिस नया तरीके से गेंदबाजी में बदला और बेहतरीन फील्डिंग सजाकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को जाल में फंसाया, हर क्रिकेटर फैन मुरीद हो गया है। सोशल मीडिया पर तो रहाणे की कोहली से बेहतर कप्तान बनाने के साथ ही उन्हें नियमित कप्तान बनाने के बात भी होने लगी है। रोहित शर्मा बने उप कप्तान, तीसरे टेस्ट में धूम मचाएंगे हिटमैन। हिटमैन रोहित शर्मा को चेतेश्वर पुजारा की जगह पहली बार भारतीय टेस्ट का उप कप्तान बनाया गया है। नियमित कप्तान विराट कोहली के पितृत्व अवकाश पर भारत लौटने के बाद जब अजिंक्य रहाणे टीम के कप्तान बने थे, तब मेलबर्न में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट में पुजारा को उप कप्तान नियुक्त किया गया था।
टीम प्रबंधन ने पहले ही यह फैसला कर लिया था कि अगर रोहित फिट होकर टीम में जुड़ेंगे तो वह उपकप्तान होंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।